पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस के भारत बंद का असर मुरादाबाद में भी देखने को मिला। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को सुबह से ही बंद कर भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेसियों ने ट्रेन रोककर भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के भारत बंद को लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता टाउन हॉल पर एकत्र हुए, जहां से जुलूस के रूप में हाथों में सरकार विरोधी नारों से लिखी तख्ती लेकर बुद्ध बाजार की तरफ गए। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता कार को ई रिक्शा से बांध कर खींचती दिखाई दी। कार में रसोई गैस सिलेंडर और दाल रख कर बाजार बंद कराया। इस दौरान व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बुद्ध बाजार इम्पीरियल तिराहे से होते हुए गंज बाजार गोरहट्टी होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड संपर्क क्रांति ट्रेन को रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर स्कूटी रखकर और ट्रैक्टर को बैलगाड़ी से बांधकर खींचते हुए बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि मोदी सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं किया। मोदी सरकार ने 400 रुपए की गैस सिलेंडर को 850 रुपए का कर दिया। आज तक कभी भी पेट्रोल के बराबर डीजल की कीमत नहीं पहुंची। आज डीजल की कीमत पेट्रोल के बराबर पहुंच गई है। जुमलों के अलावा मोदी ने देश को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहा। वहीं पेट्रोल डीजल और रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार को ई रिक्शा से बांध कर खींचा, साथ ही बैलगाड़ी पर स्कूटी रखकर बैलगाड़ी से ट्रैक्टर बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरा भारत बंद का ऐलान कर महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद और जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद ने पूर्ण रूप से एक एक कार्यकर्ता ने सहयोग करा। और सबसे बड़ी बात रही कि मुरादाबाद की जनता ने, यहाँ की आवाम ने, एक एक व्यापार मंडल ने सबका समर्थन दिया, जिसमें आप भी साक्षी के रूप में वहाँ मौजूद थे। 99% से ऊपर दुकानें बंद थी। मैं सभी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। बाजार बंद हमारा मेन उद्देश्य था। यहाँ पर ट्रेन रोक रहा है रेलवे स्टेशन पर बाजार बंद कराते हुए, या ट्रेन भी हमने रोकी, ट्रेन रोक के विरोध दर्ज कराया, क्योंकि हर चीज़ महंगाई की हो जा रही है। जहाँ तक हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो जाहिर सी बात है इंजन भी डीजल से चलता है, महंगाई चरम सीमा पर रहेगी। माननीय राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आज का एवं महानगर का संयुक्त रूप से मुरादाबाद बंद का आह्वान माननीय राजू बब्बर जी के निर्देश पे किया गया है, जिसमें मैं यहाँ के समस्त दुकानदारों को, व्यापारियों को, विभिन्न संगठन व्यापार से जुड़े हुए लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुरादाबाद बंद ऐतिहासिक रहा। 99% दुकानें टोटल बंद हैं। कहीं कहीं पान वान की एक आध दुकान धोखेधड़े में खोल गई है या मेडिकल स्टोर खुला हुआ पाया गया है, लेकिन लगभग जो है 100% बंदी का सहयोग किया गया है। इसका कारण यह है, माननीय मोदी जी ने आज से 4 साल पहले 400 रुपए के सिलेंडर को आज 890 रुपए में कर दिया है, 2 गुनों से भी ज़्यादा महंगाई कर दी सिलेंडर पर। महिलाएं बेचारी परेशान हैं। आखिर जो है 400 रुपए के लिए जब माननीय सुषमा स्वराज जो हमारी विदेश मंत्री हैं मुंडन करा रही थी, आज 900 रुपए पे एक बाल तोड़ करके जो है इन गरीब महिलाओं की आवाज़ कम से कम उठाने का, बुलंद करने का काम करें। और अब इस समय हम लोग जो है मुरादाबाद की जो है ट्रेन रोके हुए हैं, यहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 5 पे, शायद 5 नंबर के प्लेटफार्म पे हम लोग हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता के लिए एक मैसेज जाना चाहता भेजना चाहता हूँ। 7 डॉलर का एक बैरल होता था तब, पेट्रोल 71 रुपए में बिक रहा था, आज 71 रुपए में 71 डॉलर का एक बैरल है। आज पेट्रोल की कीमत 40 रुपए होनी चाहिए, आज पेट्रोल 82 रुपए बिक रहा है, 76 रुपए डीजल बिक रहा है। तो कितना शर्म की बात है, जो अच्छे दिन की बात करते थे आज जनता को लूटने का काम कर रहे हैं।